मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू द बैक एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर 3. ओपन पेज नंबर 25 ऑफ योर लिटरेचर बुक. नाउ द टॉपिक इज डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स. सो व्हाट आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड व्हाट आर डेफिनेट आर्टिकल्स? इट इज क्लियरली रिटन ओवर हियर. आई विल जस्ट रीड इट फॉर यू. Since this topic, you know, it is not a new topic for you. You've already done this topic in your class, in class 2 also, 3 also. You're doing it since very long. It's a very familiar topic. A and an are indefinite articles. They are used before nouns that are general or which have been mentioned for the first time in a piece of writing. Ek paragraph mein या किसी भी स्टोरी में, चैप्टर में, सेंटेंस में, कहीं पे भी जब कोई नाउन पहली बार यूज़ होता है तो हम उसके आगे इनडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करते हैं. इनडेफिनिट आर्टिकल्स मींस ए और एन. ए कब यूज़ होता है और एन कब यूज़ होता है? ए यूज़ होता है कॉन्सनेंट साउंड्स के पहले एंड एन इज़ यूज बिफोर वाल साउंड्स. एंड वॉट आर वाल? ए ई आई ओ यू आर vowels, and other than a e I o u, all the other sounds are consonant sounds. Okay, now the second point is the is referred to as a definite article. As now there are three sub points. The is used with the names of mountains, rivers, newspapers, oceans, seas and holy books. किसी भी mountain का नाम है, river का नाम है, newspaper का नाम है, oceans का नाम है, seas का नाम है, holy books का name है, इनके पहले the use होता है. It is the rule, right? Because they are one of their own kind. एक ही है, हिमालयाज एक ही है. ऐसे नहीं है कि दो तीन mountains का नाम हिमालयाज है, दो तीन rivers गंगा हो जाएंगे. वो गंगा एक ही फ्लो करके आ रही है. वो हर शहर में अलग गंगा हो सकती है, बट है वो एक ही रिवर. न्यूज़पेपर, अब टाइम्स ऑफ इंडिया एक ही है. अब दूसरा न्यूज़पेपर उस अपने पेपर का नाम टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं लिख सकता, राइट? दे कांट कीप इट. एक अगर टाइम्स ऑफ इंडिया, दूसरा हिंदुस्तान टाइम्स है. अब हिंदुस्तान टाइम्स कोई और कंपनी नहीं ले सकती. सो हम सबका नेम यूनिक होता है, राइट? Now, the is used with the things that are only one of a kind. अपने तरीके की जो एक ही होती है उसके साथ भी the use होता है. The is used with the things we have already talked about. जो मैंने बोला indefinite articles में, जब आप किसी noun के बारे में पहली बार बात करते हैं किसी story में, paragraph में, तो आप उसके आगे indefinite article use करते हैं, that which is an. बट जब सेकेंड टाइम उसके बारे में बात करते हैं तो आपको वो नोन होता है आर्टिकल नाउन. जब कोई नाउन नोन होता है तो उसके आगे आप क्या यूज़ करते हैं? द. दैट इज़ डेफिनेट आर्टिकल. ओके, लेट्स गो अहेड विद द एक्सरसाइज. नंबर वन, आई ऑलवेज कैरी डैश अम्ब्रेला. डैश अम्ब्रेला विद द रेड स्ट्राइप्स इज माई फेवरेट वन. सी, व्हेन द फर्स्ट टाइम अम्ब्रेला इज कमिंग, then you'll write according to vowel sounds and consonant sound. You'll write a and an. That is very clear. So I always carry an umbrella. Now the second time umbrella is again coming, so before that you'll write the umbrella with the red stripes is my favorite one. See, I've written answers for you. I always carry an umbrella. Then the umbrella after full stop, the second sentence is there. So in that, you know, the first letter is the first word is the, so T is the first letter. That's why I've written T in capital. Okay, the umbrella with the red stripes is my favorite one. Now let's move ahead. Second sentence, is dash man wearing a check shirt your brother? Now here man is used for the first time इन द सेंटेंस, राइट? सो उसके अकॉर्डिंग तो इसमें इनडेफिनेट आर्टिकल यूज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैन नोन है. जब आपको कोई चीज़ नोन होती है
तो आप उसमें इनडेफिनिट आर्टिकल नहीं यूज़ करते, उसमें बेटा आप डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हो। आपको पता है आप किस मैन के बारे में बात कर रहे हो, ऐसे नहीं है कि आप बोल रहे हो इन चारों में से कौन आपका भाई है, नहीं आप बोल रहे हो ये जिसने चेक शर्ट पहनी है ये आपका भाई है, पूछ रहे हो ना, सो यू नो वी यू आर टॉकिंग अबाउट विच मैन। ऐसा नहीं है कि किसी भी मैन के बारे में बोल रहे हो, जो आपको पता है आप किस मैन के बारे में बात कर रहे हो वो फिक्स है, वो डेफिनेट है, इसीलिए इसमें द आएगा। इज द मैन वेयरिंग अ चेक शर्ट योर ब्रदर? नाउ नंबर 3, वी सॉ डैश एंट कैरिंग डैश स्मॉल पीस ऑफ केक। हमने एक एंट को देखा जो छोटा सा पीस केक का लेके जा रहा था। अभी केक का कौन सा पीस लेके जा रहा है ये नहीं पता, एक तो कोई भी एंट है। तो वी सॉ एन एंट कैरिंग अ स्मॉल पीस ऑफ केक, केक का एक छोटा सा पीस। सो कौन, बिकॉज केक का, किस केक का पीस ले जा रहा है आपको नहीं पता, सो इट इज़ नॉट डेफिनेट, इट इज़ इनडेफिनेट। सो द थर्ड वन एन अ। नंबर 4, शी बॉट सम एप्पल्स एज शी टुक बाइट ऑफ डैश एप्पल, वो कुछ एप्पल्स खरीद के लाई। ठीक है, अभी एप्पल्स के बारे में आपको पता है पर एप्पल के बारे में नहीं पता, उसमें से एक एप्पल के बारे में नहीं पता आपको, तो इसीलिए जब सेकेंड सेंटेंस में आया एज शी टुक बाइट ऑफ डैश एप्पल तो यहाँ द नहीं आएगा, बिकॉज आपको इससे पहले सारे एप्पल्स के बारे में पता है, उसमें से एक एप्पल उसने से खाया, उस एक एप्पल के बारे में नहीं पता है, दिट इज़ न्यू फॉर यू, यू आर यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, इससे पहले आपने एप्पल्स यूज़ किया है एप्पल नहीं यूज़ किया। सो एज शी टुक बाइट ऑफ एन एप्पल शी फाउंड दैट द एप्पल वॉज रॉटन। अब वही एप्पल के बारे में आप बात करो कि वो एप्पल ख़राब था, तो द पहले एन फिर द। ओके, नाउ नंबर 5, द चिल्ड्रन वर लेफ्ट अलोन ऑन डैश आइलैंड। एक आइलैंड पे चिल्ड्रन अकेले रह गए बच्चे, सो एन विल कम बिकॉज आइलैंड, यू आर यूजिंग आइलैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम व्हेन यू आर यूजिंग आइलैंड इट विल कम। द आइलैंड हैड मैनी पाम ट्रीज। नंबर 6, वी मेट डैश ऑस्ट्रेलियन, वी मेट एन ऑस्ट्रेलियन। ओके, नाउ बिकॉज यू हैव यूज्ड ऑस्ट्रेलियन फॉर द फर्स्ट टाइम सो दैट्स व्हाई एन हैज कम। सेकेंड टाइम द ऑस्ट्रेलियन कुड स्पीक हिंदी फ्लुएंटली बिकॉज आप उसी ऑस्ट्रेलियन के बारे में सेकेंड टाइम बात कर रहे हो, तो द आएगा। सी एन एंड द। नंबर 7, डैश गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम डैश हिमालयाज। नाउ नेम ऑफ द रिवर इज देयर, नेम ऑफ द माउंटेन इज देयर, सो दोनों के आगे क्या आता है द, सो इस दोनों ब्लैंक में द होगा। द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालयाज। ओके, नंबर 8, हैव यू रेड डैश न्यूज इन डैश टाइम्स ऑफ इंडिया। अब आपको पता है आप किस न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हो, इट इज़ नोन टू यू, द न्यूज़ इज़ नोन टू यू, आप दूसरे को पूछ रहे हो आपको उस न्यूज़ के बारे में पता है जो आपने क्या पढ़ी, वो न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया में जो थी ये वाली, तो आपको श्योर है आप किस न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हो, दैट न्यूज़ इज़ फिक्स, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट वेगली किसी भी न्यूज़ के बारे में कि क्या न्यूज़पेपर पढ़ा, तो इसलिए आई हैव यू रेड द न्यूज़ इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, इट इज़ फिक्स। ओके, स्पेसिफिक न्यूज़ यू आर टॉकिंग अबाउट, सम स्पेसिफिक न्यूज़, सो हैव यू रेड द न्यूज़ इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके, आई शेयर द पिक ऑफ दिस, डोंट वरी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द अपोस्ट्रॉफी। चिल्ड्रन, डू यू नो वेयर अपोस्ट्रॉफी इज यूज्ड? यू हैव यूज्ड अपोस्ट्रॉफी इन क्लास 3, यू हैव डन कॉन्ट्रैक्शंस। ओके, व्हाट आर कॉन्ट्रैक्शंस? Do not, you combine it and write don't, can not, you write can't, should not, you write shouldn't, does not, you write doesn't, did not, you write didn't, will not, you write won't, right? These are contractions. And what are possessive forms? Possessive forms shows the belongingness. That means Sheetal's pencil, here example is given, Sheetal's pencil. Sheetal ki pencil, Ramesh's toy, रमेश का टॉय, राइट? किसी चीज़ का को बिलोंग करती है जो चीज़, उसको शो करने के लिए आप, बिलोंगिंगनेस शो करने के लिए आप अपोस्ट्रॉफी एस लगाते हो, का और की होता है इस अपोस्ट्रॉफी एस का मतलब, राइट? आई रीड इट आउट।
to show that a letter, number one, to show that a letter or letters have been omitted, that is left out. Letter ko ya letters ko hum hata dete hain, chhod dete hain. Unko hum contractions bolte hain. Two words are then placed together. Do words ko hum ek saath likh dete hain. As in, I have made a table for you for better understanding. See, contractions do not, don't, cannot, can't, should not, shouldn't, were not, weren't, weren't, will not, won't, are not, aren't, was not, wasn't, do, did not, didn't, does not, doesn't. There are many, many, many. Okay. Now the second way is it is used when we use nouns in their possessive forms. जब हम noun की belongingness show करते हैं कि वो noun किसका है, वो चीज़ जो noun है वो किसकी है, वो pencil शीतल की है, तो शीतल's pencil. ये toy रमेश का है, तो रमेश's toy. ऐसे ही elephant's tail, तो ये tail किसकी है, elephant की है. Dog's house, ये house किसका है, dog का है. रवीज़ फादर, ये फादर किसके फादर आए हैं, रवि के फादर आए हैं, तो रवीज़ फादर, राइट. तो पजेसिव फॉर्म जो होता है उसके लिए भी हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं, राइट. नाउ वन एक्सरसाइज इज देयर, यू विल डू दिस एक्सरसाइज इन द बुक इटसेल्फ. Okay, write answers in front of the sentence, or you can underline the word and you can write the correct answer above, only the changes which you are doing, or you can write the correct sentence in front of the sentence, no problem. Number one, I do not like butter sandwiches, so you'll combine do not and you'll write I don't like butter sandwiches. You'll combine do not and write don't. Okay, the second one is I have done my homework. So you will combine I have, you will contract I have, I apostrophe V-E, I have done my homework, okay? Number three, the trunk of the elephant is very long. Ab ye elephant ki trunk ke bare mein baat kar rahe hain. So the elephant's trunk is, now possessive form will be used, right? The elephant's trunk is very long. See, the elephant's trunk is very long. Number four, are not there any toffees to distribute? So you'll combine, you'll contract are not and you'll write aren't. Aren't there any toffees to distribute? See, aren't there any toffees to distribute? Now the last one, that is number five, the mother of Suman told her to do her homework. So again, possessive form is there. Suman's mother. You will not write the Suman's mother, because before proper noun you don't use the. Before any name you don't write the. Okay. So Suman's mother told her to do her homework. Suman's mother told her to do her homework. I have put a wavy line in number 3 and number 5 because it is a both of these sentences are showing the possessive form. So I have just marked the noun also, the noun which is showing the possessive form. So I have underlined these nouns also. Elephant's trunk. Kiski trunk hai? Elephant ki trunk hai. Suman's mother. Kiski mother hai? Suman ki mom hai, right? So I have put a wavy line just to explain you. You know, you're not required to underline that. Okay? I hope it is very clear. The topic is good. It is understood by you. Thank you.